स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्पफुल टॉपिक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एमपीएस का 8th चैप्टर नागरिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं नागरिकता का स्वरूप से। विभिन्न परिप्रेक्ष्य से जुड़ी नागरिकता की अनेक परिभाषाएं हैं। जैन समाप्त में व्याप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों वाले राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के रूप में नागरिकता को माना जाता है। नागरिकता दो तरह की होती है, तथस्थ और सक्रिय। तथस्थ नागरिकता वह होती है जिनमें नागरिक अधिकारों एवं दायित्वों का निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, उसके बाद भी उन्हें उस नागरिकता का हकदार माना जाता है। सक्रिय नागरिकता में समुदाय के राजनीतिक जीवन से संबंधित अधिकारों एवं दायित्वों में सक्रिय भाग लेना शामिल है। तथस्थ नागरिकता वे होगी जिसमें लोग दायित्वों के निर्माण में अपनी भूमिका तो नहीं निभाते लेकिन उनको पूरी हकदारी उस चीज की मिलती है। सक्रिय नागरिकता में समुदाय के राजनीतिक संबंधित अधिकारों में दायित्वों में सक्रिय भाग लेना शामिल है, मतलब ये जरूरी होता है। अधिकांश राज्य मताधिकार का विदेशियों को सार्वजनिक कार्यालय बनाने की अनुमति नहीं देते हैं। आरंभ में अधिकार को केवल संपन्न लोगों तक ही सीमित रखा जाता था, आज वे हम सब नागरिकों का अधिकार के रूप में प्राप्त हैं। प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिक के हित और दायित्वों के प्रति अगुवाई की है, मतलब जो प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनमें नागरिकों के हितों और दायित्वों की अगुवाई की गई है। किसी राज्य के नागरिकों के पास इतने अधिकार होते हैं जो कि किसी विदेशी के पास नहीं होते। राज्य तटस्थ सदस्यता के अंतर्गत सीमित अधिकारों और कानूनों एवं व्यापक सामाजिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक का अधिकार सर्वमान्य व अपरिहार्य है, मतलब उसका जो अधिकार होता है वो सबको मान्य होता है, सबको स्वीकार होता है। और नागरिकता एक विशेष प्रकार की समानता को प्रमाणित करती है। यह आर्थिक समानताओं तथा सांस्कृतिक मतभेदों को भी स्वीकार कर सकती है परंतु गुणात्मक असमानताओं को नहीं, क्योंकि इसमें पुरुष और महिलाओं को उनकी मूल आवश्यकताओं या दायित्वों के आधार पर अलग अलग रखा जाता है और अलग स्थान दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। नागरिकता तीन प्रकार की होती है, सिविल आयाम, राजनीतिक आयाम और सामाजिक आयाम। सबसे पहले हम सिविल आयाम के बारे में बात करेंगे। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण, विचार एवं न्याय संगत व्यवस्था के लिए संघर्ष करने का अधिकार शामिल होता है। व्यक्ति कानून के अंतर्गत दूसरों के स्थान पर समानता के विषय में अपने दावों की रक्षा करते हुए उन पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। न्यायालय प्रमुख रूप से सिविल अधिकारों से जुड़े हुए हैं। कार्य करने का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि सिविल अधिकार कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक आयाम। इसमें राजनीतिक सत्ता में भाग लेना शामिल है, जैसे मतदान अधिकार, राजनीतिक विशेष अधिकार, राजनीतिक नेतृत्व की अपेक्षा एवं समर्थन, न्याय और समानता के पक्षधरों का समर्थन तथा अनुसूचित राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध संघर्ष आदि। इसमें सारी चीजें राजनीतिक से संबंधित हैं। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा जो हमारा पॉइंट है, सामाजिक आयाम। इसमें आर्थिक कल्याण एवं सुरक्षा, सामाजिक विरासत में भाग लेना तथा समान विशेष में प्रचलित मानकों के आधार पर जीवन जीने का अधिकार आता है। इसके अंतर्गत मनुष्य स्वयं एक विशेष जीवन यापन करने का अधिकारी है। सामाजिक आयाम में सुरक्षा, विरासत, प्रचलित मानकों के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा मार्क्सवादी नागरिकता के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि मार्क्सवादी नागरिकता किसे कहते हैं। मार्क्सवादी मानते हैं कि वर्ग संबंध ही मूल संबंध होते हैं। उनके अनुसार पूंजीवादी राज्य का सिद्धांत सामाजिक संबंधों को नागरिकों के बीच वर्ग संबंध के रूप में व्यक्त करता है। मार्क्सवादी द्वारा प्रतिपादित विचारों के आधार पर सामाजिक संबंध वास्तव में वर्ग संबंध है जो किसानों और जमींदारों के बीच तथा कर्मचारियों व व्यापारियों के बीच होता है। इस प्रकार संघवाद एवं पूंजीवाद के बीच रिश्ता है।
जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग थे वे वर्ग संबंध को ही मूल संबंध मानते थे, मतलब असली संबंध यही होते हैं जो वर्ग संबंध है। उनके अनुसार पूंजीवादी राज्य का सिद्धांत यह है कि सामाजिक सिद्धांतों को नागरिकों के बीच वर्ग संबंध के रूप में व्यक्त करता है। मार्क्सवादी लोगों का यह भी मानना था कि मार्क्सवादी विचारधारा द्वारा प्रतिपादित विचारों के आधार पर सामाजिक संबंध ही वर्ग संबंध होते हैं, जो आम तौर पर किसानों व जमींदारों के बीच होते हैं तथा कर्मचारियों व्यापारियों के बीच होते हैं। इस प्रकार संघवाद एवं पूंजीवाद के बीच में रिश्ता कायम होता है। वर्ग संघर्ष पर काबू पाने में तथा सामाजिक संबंधों को पुनः बनाने में राज्य का सिद्धांतवाद मुख्य भूमिका निभाता है। नागरिकों की स्वतंत्रता तथा समानता बाजार के आदान प्रदान में अलग स्थान रखती है। इस व्यवस्था के एजेंट स्वतंत्र रूप से अपने उत्पादों का विनिमय करते हैं। इस स्थिति में सामाजिक रिश्तों को वर्ग संबंध कहते हैं। सार्वजनिक शिक्षा, मीडिया, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन आदि क्षेत्रों के कारण पूंजीवादी समाज में इस सिद्धांतवाद की महत्ता बनी हुई है। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है समूह विभेद नागरिकता। समूह विभेद नागरिकता नागरिकता कानून के तहत लोगों को एक समान अधिकार वाले व्यक्तियों के रूप में मानने का नाम है। संपन्न अधिकारों की घोषणा मात्र से कुछ वर्गों को समान अवसर प्रदान नहीं किए जा सकते। समूह विभेद नागरिकता सांस्कृतिक संबंधों की सहायता से नागरिक को महत्वपूर्ण बनाती है। नागरिकता समान अधिकार और मतभेद दोनों के रूप में है। विल किमलिका ने कहा है कि ऐसी संस्कृति जो अपने सदस्यों को मानवीय क्रियाकलापों के संपूर्ण दायरे में जीवन का पूर्ण भाग प्रदान करती है, इसमें सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को परिवेक्षित करने वाला आर्थिक जीवन शामिल है। जहाँ पर लोगों को एक समान अधिकार वाले व्यक्तियों के रूप में माना जाता है उसे समूह विभेद नागरिकता कहते हैं। संपन्न अधिकारियों की घोषणा मात्र से जो कुछ वर्ग होते हैं उन्हें समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं। समूह विभेद नागरिकता सांस्कृतिक संबंधों की सहायता से नागरिकों को महत्वपूर्ण बनाती है। नागरिकता समान अधिकार और मतभेद दोनों के रूप में है। विल किमलिका ने कहा है कि ऐसी संस्कृति जो अपने सदस्यों को मानवीय क्रियाकलापों के संपूर्ण दायरे में जीवन का अपूर्ण भाग प्रदान करती है, इसमें सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को परिवेशिष्ट करने वाला आर्थिक जीवन शामिल है। समूह विभेद नागरिकता के मूल्यों व यादगारों के अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था भी है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मनुष्य के विभिन्न क्षेत्रों में एवं दैनिक सामाजिक जीवन में दिखाई देती है। नागरिकता सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिकों के से जुड़ी होती है। स्वाधीनता का अर्थ समझने में और इसे आगे बढ़ाने में सांस्कृतिक संस्कृतियों महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यही नहीं, इन सब विकल्पों को हमारे लिए वे उपयोगी बनाती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक की पहुँच पर ही लोगों के विकल्प निर्भर करते हैं। संस्कृतियां जीवन में स्थिरता लिए होती हैं। कुछ लोग संस्कृतियों को बदलते रहते हैं, परंतु फिर भी अधिकांश लोग इसे अच्छा विकल्प नहीं मानते, क्योंकि संस्कृतियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन इसके कारण कोई संस्कृति अपनी मौलिकता नहीं खो सकती और ना ही विभिन्न संस्कृतियों के पास आने से मनुष्य अपनी संस्कृति को खोता है। संस्कृति में स्थिरता के दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला है सांस्कृतिक सदस्यता और दूसरा है अपनी पहचान और दूसरों द्वारा मान्यता। सांस्कृतिक सदस्यता सार्थक विकल्प उपलब्ध कराती है। यदि किसी संस्कृति का पतन होता है तो उसे सदस्य को कम विलय उपलब्ध होंगे और उसकी जानकारी कम हो जाएगी। अपनी पहचान और दूसरों द्वारा मान्यता संबंधित होने के मापदंड पर निर्भर करती है। यह कोई निजी उपलब्धि नहीं है। विभिन्न प्रतिष्ठान सांस्कृतिक सदस्यों के माध्यम से संबंधित होते हैं। यदि सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों से अलग हो जाए तो उसमें लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक हो जाती है।
सामाजिक सांस्कृतिक अनेक विचारधाराओं एवं संस्कृतियों से मिलकर बनी है। इस कारण यह एक रूप नहीं है। जो सामाजिक संस्कृतियां हैं वे अनेक विचारधाराओं से मिली हुई हैं, मिलकर बनती हैं, और संस्कृतियों से मिलकर बनती हैं। इस कारण यह एक रूप नहीं होती, इसलिए इनका कोई एक रूप नहीं होता। लोग सामाजिक संस्कृति को बनाने वाले विभिन्न विचारधाराओं एवं संस्कृतियों के माध्यम से सामाजिक संस्कृतियों तक पहुँचते हैं। लोग सामाजिक संस्कृतियों तक कैसे पहुँचते हैं? लोग सामाजिक संस्कृतियों को बनाने वाले विभिन्न विचारधाराओं एवं संस्कृतियों के माध्यम से सामाजिक संस्कृतियों तक पहुँचते हैं। नागरिकता एवं संस्कृति सदस्यता के बीच निम्नलिखित दो प्रकार के संबंध हैं। नागरिकता एवं संस्कृति सदस्यता के बीच दो प्रकार के संबंध हैं। फर्स्ट, सहज गुण स्वरूप नागरिकता, और दूसरा है नागरिकता सामूह विभेद पहचान। अब हमारा जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल ज्यादातर फाइनल एग्जाम में आता है, वो है उदारवादी लोकतंत्र तथा नागरिकता से उसके संबंध पर चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उदारवादी लोकतंत्र समाज की शिक्षा और सांस्कृति संगठनों प्रतिष्ठानों की विधा अपने नागरिकों को स्वतंत्र और समान व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करती है। जो उदारवादी लोकतंत्र समाज की शिक्षा और सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों की विधा है, वो ये है कि वो अपने नागरिकों को स्वतंत्र और समान व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करती है। जो प्रसंगवश किसी विशेष प्रजाति वर्ग और धार्मिक समुदाय के सदस्य होते हैं, नागरिकता का यह बोध आदर्श युक्त नागरिकों के स्वरूप को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन उदारवादी लोकतंत्र में लोक शिक्षा अभी तक विशेष रूप वाले सांस्कृतिक समुदाय द्वारा उत्पन्न सापेक्षवाद से प्रभावित हुई है। उनका सुझाव है कि नागरिकों की पहचान सिद्धांतों और मूल्यों से नियंत्रित नहीं होनी चाहिए। नागरिकों की पहचान सिद्धांतों और मूल्यों से नहीं होनी चाहिए, नागरिकों की पहचान शिक्षा से होनी चाहिए। नागरिक शिक्षा नागरिकता के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। इसके द्वारा आदर्श दृष्टिकोण नागरिकों के लिए उपयुक्त अधिकार एवं मूल्यों को विकसित करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा से विशिष्ट समष्टियों का उदय होता है। नगर संस्कृति से उदारवादी लोकतंत्र फला फूला है। इसने विश्व स्तरीय दृष्टिकोण जीवन जीने के तरीके जैसे मानकों को प्रस्तुत किया है। ये सभी मानवीय व्यवहार को दिशा देते हैं। नागरिक जीवन के लिए उपयुक्त मापदंडों को नागरिकों द्वारा नगर संस्कृति के साथ अपनाए जाने की आशा है। नगर संस्कृति के पास कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिससे उत्पन्न बहुवाद सीमाओं के भीतर ही होता है। नगर संस्कृति के पास कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिससे एक ही स्थान पर बहुत ही विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जिनसे उत्पन्न बहुवाद सीमाओं के भीतर रहता है। किसी समाज में सदस्यों का स्वबोध उन विशिष्ट संस्कृति समुदाय के नैतिक मानकों द्वारा बनता है। जो नगर संस्कृति में एक बहुत किले बन की क्षमता रखते हैं। नगर संस्कृति स्वतंत्र और समान दृष्टिकोण के आधार पर अपने सदस्यों के समक्ष एक नैतिक नागरिक आदर्श प्रस्तुत करती है। समाज का प्रभाव जन से होता है, परंतु शैक्षिक प्रक्रिया का प्रभाव विलंब से होता है। समाज का प्रभाव जन से इसलिए होता है क्योंकि हम समाज में जन्म लेते हैं और वो हमारे आसपास हमारे पैदा होने के साथ ही होता है। लेकिन शिक्षा का प्रभाव बाद में इसलिए पड़ता है क्योंकि हम अपनी शिक्षा देर से ग्रहण करना शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कि मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। 9th चैप्टर के इम्पोर्टेंस टॉपिक जानने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हैं। थैंक यू।